भारतीय क्रिकेट प्रशासन में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और 23 अक्टूबर को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। सौरव गांगुली इससे पहले साल 2015 से बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से जहां उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कयास लगा रहे हैं कि अब टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री की चुनौती बढ़ने वाली है। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के रिश्ते बीते कुछ वक्त से अच्छे नहीं रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में शुमार सौरव गांगुली ने 29 टेस्ट मैचों में टीम की अगुवाई की थी। गांगुली से जब सवाल पूछा गया कि कपिल देव की अध्यक्षता वाले पैनल की वैधता पर सवाल उठाए जाने के बाद क्या हेड कोच रवि शास्त्री की नियुक्ति पर चर्चा की जाएगी, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। गांगुली ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे रवि शास्त्री के चयन पर असर पड़ेगा। हालांकि मैं किसी चीज को लेकर तय नहीं हूँ, हमने तब भी कोच का चयन किया जबकि हितों के टकराव का मुद्दा था। सौरव गांगुली के बयान से तो यही लगता है कि वो साफ तौर पर रवि शास्त्री पर तंज कस रहे हैं और उनका यह बयान उनके रिश्ते की तलखियां बता रहे हैं। सौरव गांगुली के इस बयान से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।